चलिए ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं सुबह सुबह जॉगिंग के लिए आ गया। वैसे भी आज स्कूल में मेरी रेस है, अब जल्दी से घर पर जाता हूँ। स्कूल निकलने का टाइम आ चुका है। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं आ गया हूँ, चलो जल्दी से चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर गए? चुप। अरे मैं यहाँ पर हूँ। चलो कम से कम तुम तो मिले। एक बात बताओ, ये फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे दिखेंगे कैसे, अभी तक सो रहे हैं। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे ये तुम क्या कह रहे हो, फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करो, चलो वापस से उठाते हैं, इस बार दोनों मिलके उठाएंगे। अरे नहीं नहीं मैं नहीं आने वाला, मैंने एक बार कोशिश कर ली है, मुझे बार बार डांट नहीं सुननी। अरे ये क्या चौप, चलो कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर उन्हें उठा के आता हूँ, देखता हूँ ऐसे कैसे नहीं उठते। फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर हो, मैं आ रहा हूँ। जरा देखो इनको, कुंभकर्ण की तरह सो रहे है, इनको थोड़ी भी शर्म नहीं है। फ्रैंकलिन भैया उठो। अरे यार ये तो उठ ही नहीं रहे। फ्रैंकलिन भैया। अबे यार कौन चिल्ला रहा है, सोने देना। अरे यार अभी आंखें खोल दिए तो उठ भी जाओ ना, आज मेरी रेस है, अब भूल कैसे सकते हो। अरे यार ये तो उठ ही नहीं रहे है, क्या करूँ क्या करूँ। मेरे पास एक आइडिया है। अरे नैनको दीदी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? नैनको दीदी कहाँ है? नैनको, नैनको शिनशान कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? तूने नैनको ही बोला था ना? मैंने उसके पहले ये भी बोला था कि मुझे लेट हो रहा है, वो तो आपको सुनाई नहीं दिया, नैनको बराबर सुनाई दिया। अरे यार ये क्या बात हो गई, तुझे अब किस लिए लेट हो रहा है? मुझे लगता है आप भूल गए हो, आज मेरी स्कूल में रेस है। अबे यार ये तो मेरे दिमाग से निकल गया था। चल चल जल्दी चल, स्कूल का टाइम तो होकर गया, अब नहाने धोने का टाइम नहीं है। चौप तू यहाँ पर क्या कर रहा है, निकलना नहीं है? जल्दी से आ, फटाफट जाके गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। अबे कहाँ पर रह गए, जल्दी आओ ना। ये देखो पहले खुद लेट करते हैं फिर हमें चिल्लाते हैं। तू बैठ भाई गाड़ी में, अब चलते हैं फटाफट सीधा स्कूल की तरफ। अगर आज के दिन में टाइम पर नहीं पहुंचा ना तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। हाँ शिनशान एकदम सही कह रहा है, आज तो वो सुबह जॉगिंग के लिए भी गया था। देखा ये गलत है, तुम लोग मुझे ही ब्लेम कर रहे हो, और वैसे भी एक दिन जॉगिंग करने से कौन सी प्रैक्टिस होती है। अरे उससे आपको क्या। अच्छा ठीक है चिल्ला मत, मैं गाड़ी को थोड़ी और स्पीड भगाता हूँ। फ्रैंकलिन भैया थोड़ी और स्पीड भगाओ, मेरा स्कूल आने ही वाला है। अरे शिनशान आने नहीं वाला है, हम लोग पहुँच गए, गाड़ी को यही पर पार्क कर देते फटाफट। चलो चलो टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी निकलो सब लोग, तब तक मैं जाके सबको रोक के रखता हूँ कि स्टार्ट ना कर दे। स्टार्ट तो नहीं हुआ। ओ नहीं नहीं चलो बच गए, सारे बच्चे तो तैयार है और इनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। जरा देखो तो सही इनको, ये तो फुल फॉर्म में लग रहे हैं, इनसे ज्यादा तो इनके पेरेंट्स जोश में। देखा हर बार आप ऐसा ही करते हो, इस बार भी मुझे लेट करवा दिया ना, अब मुझे वार्म अप का भी टाइम नहीं मिलेगा। अरे पर शिनशान तू अभी तो एक्सरसाइज करके आया ना, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मुझे तैयारी नहीं करनी होती, आप हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करते हो। अरे पर पहुंचा तो दिया यार, इससे ज्यादा क्या करूं। अरे छोड़ो ना शिनशान, तुम जाओ वरना लेट हो जाओगे। तुम लोग एक काम करो, आपस में रेस कर लो। शिनशान तुम्हें रेस करनी है क्या? नहीं करनी है तो जल्दी से वहां जाके खड़े हो जाओ। ये देखो आपके वजह से मुझे डांट पड़ रही है, आपको तो मैं रेस के बाद बताता हूँ। रुको सर मैं जा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना, अब जल्दी से जाके खड़ा हो जाता हूँ। कैसी हो लूसी, देखो मैं भी आ गया हूँ। शिनशान मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू ही जीतेगा। हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ है। चलो बच्चा तुम लोग तैयार हो, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 1 2 3 भागो। गाइस यार चलो रेस शुरू हो गई है। अबे यार ये बच्चा तो गिर गया। छोटे जल्दी उठ, भाग भाग हार मत मान। ये थोड़ा ज्यादा पीछे रह गया गाइस, पर कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। वैसे हमारा शिनशान सबसे आगे चल रहा है फिलहाल। वैसे इस बच्चे को क्या हुआ, सब लोग भाग गए है, अभी भी यही पर है। इनको लग रहा है ये लोग जीतेंगे, अभी इनको जाकर बताता हूँ, तब को पीटे कर दूंगा, वो भी एक ही बाल में। ये मैं तला। 1 मिनट ऐसा कैसे हो सकता है, अभी ये बच्चा तो सबसे पीछे था। गाइस आप लोग देख रहे हो हवा की स्पीड से गया है वो। देता देता मैं जीत गया हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। अरे फ्रैंकलिन भैया गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है, इसने कोई तो चीटिंग की है। डलो डलो तब लोग मुझे डलो, ये ट्रॉफी अब मेरी है। चल तो चौप जरा जाकर देखते हैं, उसको मुझे पास से देखना पड़ेगा, उसने आखिर में ऐसा किया क्या है। अरे छोड़ो ना यार, जाने दो ना, हमको क्या, वैसे भी एक छोटी सी रेस ही तो थी। बात रेस की नहीं है चौप, मुझे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। गाइस यार इसके जूते भी नॉर्मल लग रहे हैं, इसके पैर में भी कुछ नहीं लगा हुआ, फिर ये इतनी ज्यादा स्पीड कैसे भाग सकता है। अरे क्या यार फ्रैंकलिन भैया, एक छोटे से बच्चे पर शक कर रही हो। हाँ हाँ मैं तो बोलता हूँ अब चलते हैं, इससे अच्छा तो हम लोग आए नहीं होते, वैसे भी शिनशान हार गया है। नहीं आना तो पड़ता ही, हारे या जीते कम से कम पार्ट तो लिया। अच्छा ठीक है चलो, वैसे भी अभी कोई काम तो है नहीं, मुझे लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। अभी मैं घर पर जाके और भी प्रैक्टिस करूंगा, और अगली बार जब रेस होगी ना मैं सबको हरा दूंगा। ये हुई ना बात शिनशान, कभी हार नहीं मानने का। चलो यार मुझे भी जाके नहाना है, मैं ऐसे उठ के आ गया था। 1 मिनट अबे ये तो वही बच्चा है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, अभी तो वहाँ पर था। शिनशान जरा देख तो सही, ये रहा वो चीटर। अरे यार आप तो हाथ धो के उसके पीछे ही पड़ गए हो, आपको प्रॉब्लम क्या है उससे? अरे यार प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये देख किसी से तो बात कर रहा है ये यहाँ पर, और जिससे भी बात कर रहा है ना वो ट्रक के उस साइड खड़ा है, मैं उसे देख ही नहीं पा रहा हूँ यार। अरे आप उसको देख के करोगी क्या, अब जाने दो इस बात को, रात गई बात गई। अच्छा ठीक है यार चलो, तेरे लिए कर रहा था मैं ये सब, वरना मुझे क्या पड़ी है। 1 मिनट ये आवाज कहाँ से आई? अबे ये तो इस ट्रक के अंदर से आ रही है, जरा ध्यान से सुनते। उठो उठो।
रुको, तो बताओ हमको। इसके अंदर पक्का कोई तो है, कोई हेल्प मांग रहा है हमसे। मैंने तेरे से बोला था ना शिनचैन, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, हमें इनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। मैंने तुमसे जो कहा था तुमने किया या नहीं? अरे मैंने तल दिया है, आपने दिदित को बोला था, मैंने तब को किडनैप कर लिया। एक मिनट, ये लोग किसको किडनैप करने की बात कर रहे हैं? कहीं जो ट्रक के अंदर है वही तो नहीं? अरे बहुत, मेरे को लग रहा है कि हमारी बातें कोई तुल रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हमारे लिए यही ठीक होगा कि हम अभी यहाँ से निकल जाए। चलो अब जल्दी से आकर गाड़ी में बैठो, हमें तुरंत चलना होगा। अता थी बहुत, अभी आके बैठता हूँ, चलो गाड़ी को स्टार्ट करो। एक मिनट, अबे यार ये लोग तो ट्रक को लेकर निकल गए। ओ भाई साहब, इन्होंने तो ट्रक को स्पीड भी कर ली है। शिनचैन शिनचैन, वो लोग गायब हो जाएंगे, हमें उनका पीछा करना होगा। पता नहीं उस ट्रक के अंदर कौन है, जल्दी से आके बैठो यार। गाइस एक बात तो क्लियर है, उन्होंने किसी को तो किडनैप किया है। कहां गई वो ट्रक? इसी साइड थी, वो रही, हमें उसे कैसे भी करके रोकना होगा। अबे यार ये तो पागलों की तरह चला रहा है। बार बार बच गए, सामने से भी एक ट्रक आ रही है। चलो गाइस जैसे तैसे करके बच गए, मुझे इसके पास पहुंचना है। जोर से जाके टक्कर मारूंगा ना तो शायद रुक जाए। ये सामने कुछ देख ही नहीं रहा है, जो भी इसके सामने आ रहा है सबको उड़ा रहा है, बस इसके वजह से हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। एक मिनट, अभी ये तो टर्न ले रहा है, हमें भी अपनी गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। गया 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 वो गया। अबे नहीं यार, उसने तो फिर से बैलेंस कर लिया, जोर जोर से टक्कर मारते गाइस। और ये ले, ये ट्रक थोड़ी सी भारी है, कोई नहीं हम फिर से ट्राई करेंगे। अबे नहीं नहीं, ये हिरन कहां से बीच में आया? बार बार बचा। अरे भाई साहब जल्दी जल्दी गाड़ी को मोड़ता हूँ, उसे लग रहा है वो मुझसे भाग जाएगा। कहां गया? आया तो इसी साइड था, वो रहा मुझे दिख रहा है, अभी पहाड़ के नीचे उतरा। जैसे चला रहा है ना गाइस, ये बहुत ज्यादा ही हैवी ड्राइवर है, इसने तो अपनी स्पीड बढ़ा ली है। पागल वागल तो नहीं हो गया है? ओहो भाई ये तो यही पर क्रैश हो गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली कहीं तो रुका ये। शिनचैन चौप जल्दी से उतरो, पता नहीं इस ट्रक के अंदर कौन है, हमें जाके उसे बचाना होगा। अब जल्दी से खोलते हैं इसको। एक मिनट, ये तो वही छोटे बच्चे ना जो शिनचैन के साथ रेस कर रहे थे। बच्चों तुम लोग ठीक तो हो ना, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे अंकल हम लोग ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरा फर्ज था। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, जिसने तुम्हें किडनैप किया था क्या तुमने उसको देखा है? देखा तो बराबर नहीं था, पर मुझे इतना पता है कि उसने येलो कलर के कपड़े पहने थे। अरे यार इससे कैसे पता चलेगा, कुछ और याद करके देखो ना। बच्चों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ये रहा मैं तुम्हारे सामने। एक मिनट, ये आवाज कहां से आई? अबे ये तो किड फ्लैश है, पर ये ऐसा क्यों करेगा? फिलहाल तो यहाँ पर खतरा है, बच्चे लोग अभी कभी निकलो यहाँ से। मैंने क्या बोला, सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं निकल रहे हैं। किड फ्लैश तू ऐसा क्यों कर रहा है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कुछ भी करूँ उससे तुम्हें क्या? अरे पर तू तो ऐसा कभी था ही नहीं यार। गाइस कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी और के कंट्रोल में? और एक बात बता, तूने बच्चों को किडनैप क्यों किया? ये बच्चे मेरे बॉस की सेना बनने वाले थे, मेरे बॉस इन्हें पावर देते, पर तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया है। क्या तुम लोग इतना गिर गए हो, अब बच्चों को किडनैप करोगे? अरे मोंटू तुम उसके पास क्या कर रही हो, वो तुम्हें यूज कर रहा है। वो मुझे यूज नहीं चल रहा है, ये पावर मैंने खुद मांगी थी, अब मैं तब तक ज्यादा स्पीड हूँ। ये बात तो एकदम सही है, अब इस बच्चे के सामने कोई नहीं टिक सकता है। देखा नहीं तुम्हें कितने आसानी से हरा दिया था? एक मिनट, तुम्हारा मतलब क्या है? शिनचैन इसको आराम से हरा सकता है और तुम्हारे पावर्स की जरूरत नहीं है उसको। मैं तुम्हें खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, शिनचैन इस बच्चे को हरा के दिखाएगा। अरे फ्रैंकलिन भैया पागल तो नहीं हो गए हो, ये आप क्या बोल रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, अगर तुमने इसे हरा दिया तो मैं आगे बच्चों को किडनैप नहीं करूंगा। चल छोटे चलने का टाइम आ चुका है, आके मेरी पीठ पर बैठ जा। अच्छा ठीक है, अभी दाखिल बैठता हूँ। अगर शिनचैन ने इस बच्चे को हरा दिया तो तुम इस बच्चे को भी छोड़ दोगे? तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, बस इतना याद रखो अगर हार गए तो भूलना मत, मैं शिनचैन को अपने साथ ले जाऊंगा। देख शिनचैन हम लोग ने चैलेंज तो दे दिया है, अब जो करना ना तुझे करना है। अरे ये क्या बात हुई, आपको किसने कहा था चैलेंज करने के लिए, एक बार मुझसे पूछ तो लेते। शिनचैन ये करना जरूरी था, वरना वो और भी बच्चे किडनैप करता। अरे तो अपना नाम ले लेते ना, शिनचैन का क्यों लिया? देख अगर मैं अपना नाम लेता ना तो ये बहुत ज्यादा अनफेयर हो जाता, क्योंकि सामने भी बच्चा है इसलिए मैंने शिनचैन का नाम लिया, उन दोनों की तो एज भी बराबर है। अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो, पर मैं उसे हराऊंगा कैसे? आपने देखा ना वो कितना स्पीड भागता है। उसकी चिंता तुम लोग मत करो, मैं कुछ सोच लेता हूँ। अरे जो सोचना है जल्दी सोचो। तुझे याद है शिनचैन, इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, तब सोनिक ने मेरी मदद की थी और मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। अरे हाँ, अगर वो आपको ट्रेन कर सकता है तो मुझे भी कर सकता है। देख हो गया ना काम, अभी जल्दी से उसे फोन करता हूँ। उठा उठा भाई। अबे यार ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक काम करता हूँ इसकी लोकेशन चेक करता हूँ, इसकी तो लोकेशन भी नहीं मिल रही। अबे यार अभी हम लोग क्या करेंगे? अरे फ्रैंकलिन भैया आप एक जन को भूल गए हो। किसको? अरे फ्लैश, वो भी तो इतना तेज भागता है। अरे चौप ये हुई ना बात, क्या आइडिया दिया है, जल्दी से टोनी से उसकी लोकेशन मंगाता हूँ। तो गाइस यार लोकेशन के हिसाब से फ्लैश यहाँ पर होना चाहिए, अब वो बीच पर क्या कर रहा है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जल्दी से जाके उसे ढूंढते है। एक मिनट, वहाँ पर कोई बैठा है। गाइस ये रहा फ्लैश, जल्दी से गाड़ी को यहाँ पर रोकता हूँ। शिनचैन चौप जल्दी से उतरो, फटाफट फ्लैश से जाके पूछता हूँ। फ्लैश मुझे तुझसे काम है। एक मिनट, तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे? तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। अरे यार वो सब छोड़, तुझे शिनचैन को ट्रेन करना होगा ताकि उसकी स्पीड बढ़ जाए। सॉरी फिलहाल मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं वेकेशन पर हूँ, मुझे थोड़े
आराम की जरूरत है। अरे प्लीज फ्लैश ऐसा मत बोलो वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। फ्लैश ये कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। किट फ्लैश किसी के काबू में और वो अभी बच्चों को किडनैप कर रहा है और उन्हें अपनी पावर देके उनसे अपने काम करवाना चाहता है। तुझे शिनशान को ट्रेन करना ही होगा वरना ये सब रुकेगा नहीं। अरे यार मैंने तुमसे कहा ना किसी और को जाके ढूंढ लो, मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे नहीं लगता ये मानने वाला है, एक नंबर का ढीठ है। चलो अभी मेरा सर खाना बंद करो, मुझे जाके नहाना भी है, उसके बाद मैं होटल जाके आराम करूंगा। चलो अब तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ, ठीक से आराम भी करने नहीं देते। एक तो पता नहीं इनको मेरा एड्रेस किसने दिया। शिनशान अब ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ हो गई है, अभी हम लोग क्या करेंगे। अरे मुझे कैसे पता होगा, आपने चैलेंज किया था और ये प्लान भी तो आपका ही था, तो आप ही सोचो। और लो पंगे, बीच में टांग अड़ाने की जरूरत ही क्या थी। अरे यार इतना लोड मत लो, रुको कुछ सोचता हूँ, कोई तो तरीका होगा। हाँ ये ठीक रहेगा, तुम दोनों जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पास एक प्लान है। अरे हमें भी तो बताओ आप लेके कहाँ पर जा रही हो। फ्लैश ने बोला अभी वो नहाने गया है, देख अभी मैं उसके साथ क्या करता हूँ। चलो सूट तो मैंने उतार दिया है, वैसे भी पसीने से बांस मार रहा था, जब तक मैं नहाऊंगा ये भी सूख जाएगा, अब जाके फ्रेश हो जाता हूँ। तो गाइज यही वो जगह जहाँ पर फ्लैश नहाने आया होगा, क्योंकि बीच के सारे लोग यहीं पर आते हैं। शिनशान तुझे प्लान अच्छे से याद है ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे आप चिंता मत करो आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। ये हुई ना बात। तो गाइज अभी जाके हमें फ्लैश को ढूंढना है, देखो इस रो में तो नहीं है, इसका मतलब आगे वाली रो में ही होगा, पर यहाँ पर मुझे छुपके से देखना पड़ेगा। ओ भाई साहब पूरा फ्लैश का सूट, और जरा देखो तो सही ऐसा लग रहा है कि फ्लैश नहाने चला गया है। ये सुनहरा मौका है, यही सही टाइम रहेगा सूट को लेके भागने का। चलो गाइज सूट तो अपने हाथ में आ गया है, अब देखता हूँ वो क्या करता है। एक मिनट ये तो दरवाजा खुलने की आवाज आ रही है, भागो 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 इससे पहले वो बाहर आ जाए। नहा के तो मजा ही आ गया, अब जल्दी से सूट पहनता हूँ। एक मिनट मेरा सूट कहाँ पर गया, मैंने उसे यही पर रखा था, वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है। हमारा प्लान काम कर रहा है, वो तो बहुत ज्यादा ही टेंशन में लग रहा है। चलो अब इसे आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से फ्रैंकलिन भैया को कॉल करके बता देता हूँ। हेलो फ्रैंकलिन भैया मेरी बात सुनो, आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, 10-15 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाना, आगे का काम मैं और चॉप संभाल लेंगे। चलो चॉप मेरी बात सुनो, तुम लेफ्ट में जाओ और मैं राइट में जाता हूँ, चले 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 जल्दी, वहाँ पर बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा है, ये जगह एकदम ठीक रहेगी। अरे सब लोग मेरी बात सुनो, इसको देखने से अच्छा आप लोग जाके फ्लैश को देखो, वो इस टाइम पर नंगा घूम रहा है, उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने। अरे अंकल आपको फ्लैश को नंगा देखना है क्या। अरे हाँ हाँ देखना है, तो जल्दी से चलो, वो आज बहुत ज्यादा फनी लग रहा है, आपको बहुत मजा आएगा। तो गाइस शिनशान ने जैसा कहा था 10-15 मिनट हो चुके हैं, अब जल्दी से जाके देखते मामला क्या है। हो भाई यार इसकी तो हालत थोड़ी ज्यादा ही खराब हो गई, प्लीज ये फोटो खींचना बंद करो, मुझे शर्म आ रही है, सब लोग जाओ यहाँ से। अरे फ्लैश क्या हुआ, तू ऐसे नंगा क्यों पड़ा है, उठ भाई। अरे ये आवाज तो, फ्रैंकलिन तुम। अरे यार देखो ना क्या हो गया है, कोई मेरा सूट चोरी करके भाग गया है, मैं बिना कपड़ों के कहाँ पर जाऊंगा, और मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि इनको कैसे पता चला। ये सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं, ऊपर से ये लोग मेरी फोटो ले रहे हैं, अगर ये सब सोशल मीडिया पर लीक हो गया तो बाकी सुपर हीरो के सामने मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। हाँ यार ये बोल तो तू एकदम सही रहा है, वंडर वुमन भी देख सकती है। तू चिंता मत कर, मैं तेरा सूट लेके आऊंगा, उसके लिए भले मुझे जान की बाजी लगानी पड़े, तू यही पर खड़े रहना। चलो गाइस चूरन तो दे दिया है, अब आगे का काम करते हैं। इस बिचारों को क्या पता कि सूट को चोरी करने वाला भी मैं ही हूँ और लाने वाला भी मैं ही हूँ। सूट को मैंने शिनशान और चॉप के पास रखा था, वो लोग यही पर होने चाहिए। ये रहे, शिनशान मेरी बात सुन, हमारा प्लान काम कर रहा है, वो बहुत ज्यादा घबरा गया है, अब जल्दी से उसका सूट उसके पास लेके जाते हैं। तुम दोनों भी चलो फटाफट, ये ले फ्लैश तेरा सूट, और भाई जल्दी से इसे पहन ले इससे पहले कि और भीड़ जमा हो जाए। नहीं नहीं तुम एकदम सही कह रहे हो, अभी जाकर पहनता हूँ। और ये चलो अब अच्छा लग रहा है, अब मुझे शर्म भी नहीं आ रही। और हाँ मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, पर चिंता मत करो अब मैं शिनशान को ट्रेन करने के लिए रेडी हूँ, तुम बस ये बताओ कि करना कब है। अरे ये हुई ना बात, कब से क्या अभी से शुरू कर देते हैं, वैसे भी हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और ये बहुत कम टाइम होता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता की कोई बात ही नहीं है, तुम बस मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अरे पर तू लेके कहाँ पर जा रहा है। अरे हाँ जल्दी से बताओ ना, ये रही वो जगह, मैं जिम की बात कर रहा था, हम शुरुआत यही से करेंगे। अरे फ्लैश पहले थोड़ा वार्म अप तो कर लेते, सीधा ही एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। शिनशान मेरी बात सुनो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और तुम्हें बेसिक चीजें सिखाने के लिए ये जगह एकदम ठीक है, हमें तुम्हारी पावर स्ट्रेंथ और स्पीड तीनों पे काम करना है। तुम एक काम करो, शुरुआत ट्रेडमिल से करो, उसके बाद हम बाकी के एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा ठीक है फ्लैश, जैसा तुम कहो, अभी जाता हूँ ट्रेडमिल पर। ये रही, शिनशान रुकना मत, जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए कह नहीं देता बस ऐसे ही भागते रहो। अरे बाप रे आज सुबह से बस भाग ही रहा हूँ, पहले एक्सरसाइज करने गया फिर इसमें भागा, अब यहाँ पर 15, अरे बाप रे और ये 16। कमॉन शिनशान तू कर सकता, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अरे यार अब इतनी भी तारीफ मत करो, मुझे शर्म आती है और वैसे भी मैं इतना भी खास नहीं हूँ। 99 और ये 100।
डेड। बाटी लग गई। अरे यार फ्लैश, तुम रुकने के लिए कब बोलोगी? कब से दौड़ा ही जा रही हूँ, अब तो मैं लड़खड़ाने लगा हूँ, कहीं गिर ना जाऊँ। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ही भारी है। चलो कोई नहीं, करना तो पड़ेगा ही। शिनचान तुम एकदम सही कर रहे हो, बस ऐसे ही लगे रहो। और याद रखना, चॉप नीचे नहीं गिरना चाहिए। वैसे चॉप, तुम्हारे क्या हालचाल है? सब ठीक तो चल रहा है ना? अगर तुम नीचे गिर गए तो शिनचान को ये सब फिर से शुरू करना होगा। अरे ये तो गलत बात है, रेस शिनचान को करनी है, एक्सरसाइज उसे करनी है, ट्रेनिंग उसकी हो रही है, फिर मेरी जान को रिस्क में क्यों डाल रहे हो? अगर मैं गलती से गिर गया और ये पत्थर मुझ पर आ गए तो मेरा तो कचुम्बर बन जाएगा। एक पैर ऐसे और एक पैर यहाँ पर रखना है, और मुझे ऐसे करना है। शिनचान अपना ध्यान केंद्रित करो, तुम्हें खुद पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। ये सब करने के लिए तुम्हारा मन शांत होना बहुत जरूरी है। भागो भागो शिनचान, अपनी स्पीड कम मत करना, वो चीज नीचे नहीं गिरनी चाहिए, वरना शुरू से शुरुआत करवाऊंगा। अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं एकदम स्पीड भागूंगा, ये चीज नीचे टच होगी ही नहीं। देखो चॉप, मेरी बात सुनो, अगर तुम नीचे गिरे ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल मेरी जान जा रही है। भागो भागो शिनचान, तुम स्लो पड़ रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, वो चीज नीचे टच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपनी स्पीड को और बढ़ाओ, ऐसे तुम जीतोगे रेस, जरा देखो खुद को। अरे यार ये तो बहुत ही गलत बात है, और कितनी स्पीड बढ़ाऊ? एक काम करता हूँ, रॉकेट ही बन जाता हूँ, फिर तुम्हें शांति मिलेगी। एक बच्चे पे कितना जुल्म करोगे? गाइस यार शिनचान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, जरा इस पत्थर का साइज तो देखो। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा हेवी है, कहीं मेरी पॉटी ना निकल जाए। ये देखो, ये तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, अगर इसकी नजर हटे तो मैं थोड़ी देर आराम तो करूँ। बस बस मुझे ऐसे ही लगे रहना है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझ में बहुत ताकत आ गई है। मुझे बस ऐसे ही खुद पर कॉन्सेंट्रेट करते रहना होगा, मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है। कम ऑन शिनचान, हिलना मत, दिन रात ऐसे ही लगे रहो, बस थोड़ा सा रास्ता बाकी है, फिर ये कम्प्लीट हो जाएगा। वह क्या बात है, मैं इतनी देर एक जगह पर बैठ सकता हूँ, मुझे भी नहीं पता था। अब तो कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी और उसके बाद दोपहर, अब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। बस बस मैं पहुँच नहीं वाला हूँ, मुझे बस हार नहीं माननी है, कुछ ही देर की बात है फिर हो जाएगा। अरे अब जल्दी से बताओ कि आगे क्या करना है। ये तुम्हारा लास्ट टास्क होगा, तुम्हें इस रोड से भागते हुए जाना है, फिर बीच से होते हुए तुम्हें एक आइलैंड पर जाना होगा। वहाँ पर तुम्हें दो टावर मिलेंगे, उन दोनों को स्विच ऑफ करना है, तभी तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म होगी। अरे तुम किस मुसीबत की बात कर रही हो, तुम जाओ तो सही, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, ये लो मैं चला, मुझे तो कोई मुसीबत लगी नहीं रही है। अरे बापरे, ये सब क्या शुरू हो गया यहाँ पर, सारी गाड़ियाँ पागल हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लैश इसी मुसीबत की बात कर रहा था? फिर तो मुझे उस टावर तक पहुँचना ही होगा, बस कोई गाड़ी मुझसे न टकरा जाए। एक काम करता हूँ, स्पीड भागने की कोशिश करता हूँ। अरे वाह क्या बात है, फ्लैश की ट्रेनिंग तो काम आ रही है। चलो मैं बीच पर तो पहुँच गया हूँ, वो आइलैंड कहाँ पर है, यही होना चाहिए, बस मुझे पानी पर और स्पीड भागना होगा। चलो आखिरकार पहुँच गया, अभी बस मुझे उन दो टावर को ढूंढना है। वो तेरी की, ये क्या हो गया, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये इतना आसान नहीं होने वाला, मुझे फिर से अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो, वो टावर हमसे ज्यादा दूर नहीं है, बस हमें थोड़ा सा रास्ता क्रॉस करना होगा। भागो 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 भागो, चलो आखिरकार मैं पहुँच गया, अब जल्दी से इसे स्विच ऑफ करता हूँ, और हो गया, अब बस एक टावर बचा है जो कि वहाँ ऊपर है। अरे बाप रे, बहुत जोर से लगी, जल्दी जल्दी चढ़ता हूँ इन सीढ़ियों पर, पता नहीं मैं ऊपर कब पहुँचूंगा। मुझे बस हिम्मत नहीं हारनी है और कोई मीटियर मुझ पर न गिर जाए। चलो आधे से ज्यादा तो मैंने क्रॉस कर ही लिया है, कुछ ही देर में मैं ऊपर पहुँच जाऊंगा। बार बार बचा, ये मीटियर तो मेरे एकदम पास गिर गया था। चलो आखिरकार मैं ऊपर पहुँच गया, जल्दी से जाके इसे स्विच ऑफ करता हूँ। ये रहा उसका बटन, और ये हो गया। चलो आखिरकार मैंने सब कुछ रोक ही दिया, आसमान फिर से साफ हो गया है और नजारा भी कितना अच्छा लग रहा है। अरे यार अब किसका फोन आ रहा है? अरे ये तो फ्लैश का फोन है। शिनचान तुम अभी तक वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे रेस का टाइम हो चुका है। अरे हाँ मैं तो भूल गया था, रुको अभी आता हूँ, जल्दी जल्दी चलता हूँ, रेस यही पर होने वाली थी। ये रहा मोंटू, मोंटू कैसे हो, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? अरे तुम मेरी बात तोलो ना और अपनी बात कर लो। चलो बच्चों टाइम हो चुका है, अब मैं तुम्हें रूल समझा देता हूँ। ये बस एक सिंपल सी रेस होने वाली है, तुम्हें यहाँ से भागते हुए जाना है, और ये जो रिवर दिख रही है इसके चारों बाजू से भागते हुए वापस यही पर आना है। चलो तीन तैन, मैं तुमसे मिलता हूँ। मैं तो चला। अरे बाप रे ये क्या, ये तो कुछ ज्यादा स्पीड भाग गया। अबे तो देख क्या रहा है, भाग। अरे हाँ मेरे तो दिमाग से निकल गया था। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, अभी बूस्ट करता हूँ खुद को, और ये हो गया। चलो आखिरकार मेरी स्पीड बढ़ी गई, अब बताता हूँ उस मोंटू के बच्चे को। ये देखो ये रहा, क्या हुआ मोंटू, देखो मैं तुम तक पहुँच गया हूँ। अले मुझको तोल दो, दाओ याते। अच्छा ठीक है अभी जाता हूँ। वो शिनचान का बच्चा कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, अभी उसका बंदोबस्त करता हूँ। और ये लो एक और बार। चलो मैंने आधा रास्ता तो क्रॉस कर ही दिया है। अरे नहीं ये क्या, ये पेड़ कहाँ से आ गया, अब मैं आगे कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ सोचना होगा। एक काम करता हूँ, अपने हाथों की स्पीड का इस्तेमाल करता हूँ, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं। और ये मैं चला, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे वाह क्या बात है, ये तो काम कर रहा है, आखिरकार मैंने पेड़ को क्रॉस कर ही लिया, अब यही पर लैंड करता हूँ। चलो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, इससे पहले के मोंटू पहुंचे मैं निकल जाता हूँ। अरे ये क्या, अब ये मिसाइल कौन छोड़ रहा है, वह कोई तो है, मुझे उसके पास जाकर देखना होगा। एक मिनट, ये तो किट फ्लैश है, तुम तो गए मेरे हाथ से। ये लो एक मिनट, अभी तो यही पर था, कहाँ पर गया, लगता है
ये मुझसे डरकर भाग गया है। चलो कोई नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ, कुछ ही देर में पहुँच जाऊंगा। और ये मैं फाइनली पहुँच ही गया। देखा किट फ्लैश, मैंने तुम लोगों को हरा ही दिया। ये देखो तुम्हारा चमचा आ रहा है। क्या हुआ मोंटू? अले यार ऐसा कहते हो गया, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। ऐसा मत समझना कि तुम जीत गए हो तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। ये सब बच्चे किसी न किसी दिन मेरे हाथ आएंगे ही। वो तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुम यहाँ से जाओगे तब ना, ये लो और ये खाओ, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। और ये लो, आया बड़ा बच्चों को किडनैप करने वाला, अगली बार यहाँ पर आना भी मत। अले यार तीन टन प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं मंटू, ये सब तो होता ही रहता है। तो गाइस यार आज के लिए बहुत हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।